मिथुन यानी जेमिनी, आपके लिए ये मार्च का महीना कैसा रहने वाला है इसकी हम बात करते हैं। इस बार जो ग्रहों की स्थिति है वो कुछ अच्छी है और कुछ अच्छी नहीं है, तो दोनों तरह की स्थितियां हैं। पहले नेगेटिव की बात करते हैं, फिर अच्छी की बात करेंगे। कुछ कार्य जो ऐसा लगेगा कि सिरे चढ़ रहे थे नहीं चढ़ पाएंगे, तो उसको लेकर मन खिन्न हो सकता है, और कुछ लोग वादा खिलाफी भी करते हुए मालूम पड़ेंगे, या कहीं पर जीत हार की कोई स्थिति बनी हुई थी तो वहाँ पर भी थोड़ा मनोमालिन्य हो सकता है। तो कुछ ऐसे कार्य हो सकते हैं जहाँ पर आपको लगे कि शायद हमारा कोई रास्ता बंद हो गया। लेकिन कहते हैं ना कि अगर कोई दरवाज़ा बंद हो जाए तो खिड़की खुल जाती है, तो ऐसी भी स्थिति है। तो वहाँ पर कुछ रास्ते भी खुले हैं, और ये जो सुखद स्थिति आपके लिए निर्मित होगी वो सेकेंड हाफ में होगी। तो सेकेंड हाफ में आप देखेंगे जो पहले अवरोध थे या मुश्किलें थीं या जिनको लेकर थोड़ा मन में अवसाद था, दुख था, अनसर्टेनिटी थी, वो धीरे धीरे उसके बादल छटने लगे हैं और यहाँ से रास्ता निकलने लगा है। इस बीच में व्यापार को बढ़ाने की बात हो सकती है, उसमें आपको कुछ उस तरह की सहयोग या मदद प्राप्त हो सकती है जो अभी तक असंभव सी मालूम हो रही थी। तो यात्रा का भी योग है, यह यात्रा आपके लिए काफ़ी लाभदायक रहेगी। और स्वास्थ्य को लेकर जो भी उलझन बनी हुई थी स्वयं को या परिवार में, उसमें भी राहत महसूस होती दिखेगी। तो इस ये जो महीना है मिक्स्ड है, लेकिन इसका जो अंत होगा वो पॉजिटिविटी की तरफ होगा। एस्ट्रोलॉजी की सटीक जानकारी के लिए विश्वविख्यात एस्ट्रोलॉजर अजय भांबी के यूट्यूब चैनल ABC चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के बटन पर जरूर क्लिक करें।